हे भगवान, मेरा मन तो नहीं करता ये जंगल में रहने का, पर क्या करूँ, घर वाले कभी मेरा बात ही नहीं सुनते और ना ही सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मुझे इस सुनसान जंगल में रहना पड़ता है। अच्छा चलो, मैं अभी काफी थक गया हूँ, इसमें हवा भरते भरते इसमें से अपना मशीन को निकाल देता हूँ। चलो यार अब हटो, यहाँ का जो पर्दा है उसे भी हटा देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसे सही ढंग से मोड़ कर ऊपर की ओर नहीं रखूंगा तो शायद मेरा इस घर का दरवाजा तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब चलो हटो, ये वाला अपना अमेजिंग दरवाजा को खोल लेता हूँ। यार मेरे जो घर वाले हैं ना, कभी मुझे न समझेंगे और न ही समझते हैं, क्योंकि अगर मुझे घर वाले ही समझ जाते तो मुझे इस जंगल में नहीं रहना पड़ता। चलो अब ये सारा खिड़की दरवाजा को खोल लेता हूँ, क्योंकि हवा भी आना जरूरी है ना मेरी जान, और साथ में मैं इस पर ये सोफा भी लगा लेता हूँ, क्योंकि इस सोफे को अच्छे से लगाने के बाद जो मजा आता है ना, वो शायद कभी भी किसी चीज में ना हो। चलो यार हटो, ये सब छोड़ो, ये वाला अमेजिंग बेड को सही ढंग से हवा भर लेता है। यो ये वाला मशीन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हर समय मुझे कहीं ना कहीं इसका जरूरत जरूर पड़ जाता है। जब तक हवा भर रहा है, ये वाला तंबू को मैं इस रस्सी से सही ढंग से बांध लेता हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी ये वाला बेड तो हवा भी भर लिया। चलो अब आराम से आराम करूंगा और मस्त से शॉर्ट्स वीडियो का आनंद लूंगा। वैसे आप भी शॉर्ट्स देखते हो तो लाइक जरूर कर देना। अरे वाह, शॉर्ट्स वीडियो देखने के बाद तो मजा ही आ गया। अरे यार, ज्यादा मोबाइल चलाने से बॉडी तो बिल्कुल दर्द करने लगती है। सो ऐसा करता हूँ, मैं अपने बॉडी का एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग और बॉडी दोनों ही स्वस्थ रहता है। अरे वाह, बिल्कुल ही सारा दर्द निकल गया। अच्छा चलो, मैं अपने घर के सारे खिड़की दरवाजा बंद कर लेता हूँ। अरे वाह, ये तो एकदम से रात जैसा हो गया। चलो मैं अपना लालटेन को जला लेता हूँ। अच्छा चलो हटो यार, एक और मोबाइल में शॉर्ट्स देख लेता हूँ। अरे बाप रे, अकेले अकेले देख रहा है, रुक जा मैं तुझे बताती हूँ।